बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए YouTube चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव संपन्न कराने को लेकर बेनीपुर में हुई बैठक। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM व वरीय पुलिस अधीक्षक श्री बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में बेनीपुर नगर परिषद के सभागार में 29 सितंबर को बेनीपुर एवं अलीनगर में होने वाले पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने को लेकर बैठक की गई। बैठक में सभी कोषांगों के द्वारा चुनाव के लिए तैयारी की बारी बारी समीक्षा की गई। खासकर EVM कोषांग को ससमय EVM कमीशनिंग कर डिस्पैच करने हेतु तैयार रखने का निर्देश दिया गया। दरभंगा के 17 प्रखंडों के किसानों को मिलेगा फसल क्षति का लाभ। जिला कृषि पदाधिकारी दरभंगा राधा रमन ने बताया कि बाढ़ में खरीफ फसल क्षति का मुआवजा जिले के 17 प्रखंड के किसानों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रखंडवार बाढ़ के कारण जो फसल क्षति हुई है उसमें बहादुरपुर का, बहेरी का हेक्टेयर, बेनीपुर का बिरौल हेक्टेयर, दरभंगा सदर, घनश्यामपुर, हनुमान नगर, हायाघाट इत्यादि इसी प्रकार वैसी प्रतिभूमि जिस पर विगत वर्ष खेती हुई थी लेकिन इस वर्ष बाढ़ का पानी लगे रहने के कारण खेती नहीं हो सकी, उन्हें भी फसल क्षति मुआवजा प्रदान किया जाएगा। दुर्गा पूजा समितियों के साथ हुई बैठक। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में शहर के दुर्गा पूजा समितियों के साथ बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि इस वर्ष COVID-19 से सुरक्षा व बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार किसी भी कार्यक्रम के प्रत्येक आयोजन के लिए अलग अलग अनुज्ञप्ति लेनी पड़ेगी। इस तरह पंडाल निर्माण के लिए, ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने के लिए या अन्य सभी आयोजनों के लिए भी अलग से अनुज्ञप्ति लेनी होगी। साथ ही सरकार द्वारा COVID-19 से बचाव व सुरक्षा के लिए जारी गाइडलाइन के सभी बिंदुओं का अनुपालन पूजा समितियों को करना होगा। दरभंगा SSP ने हायाघाट थाना प्रभारी को किया निलंबित। दरभंगा के घाट थाना प्रभारी पर आरोप लगे हैं कि उसमें एक व्यक्ति से जमीन की एवज में लैपटॉप और पैसे की मांग की गई है, जिसका ऑडियो वायरल हो गया और सीधे SSP के पास पहुंचा। सत्यता जानने के बाद SSP ने इंस्पेक्टर सुबोध चौधरी पर कार्रवाई की। कार्रवाई की जाने के बाद SSP द्वारा निलंबित कर दिया गया। अब अपनी गलती पकड़ी जाने के बाद थाना प्रभारी ने सोशल मीडिया पर SSP के नाम से यह पत्र लिखा कि वह उन्हें काफी परेशान किया जा रहा है, उसे न्याय नहीं मिला तो वह आत्महत्या कर लेंगे और इसकी जिम्मेवारी एक News 18 के पत्रकार विपिन कुमार और आवेदक को बनाया गया। SSP इस मामले की छानबीन कर रहे हैं। SSP ग्रुप में इस मामले को लेकर जहां SSP के द्वारा निलंबन की प्रक्रिया को सही ठहराया गया, वहीं थाना प्रभारी के द्वारा इस तरह के कार्यों को निंदा की गई। पंचायत चुनाव को लेकर BDO का निरीक्षण। बहेरी में पंचायत चुनाव को लेकर BDO ने अपने निरीक्षण में बताया कि लोगों को चुनाव में हर सुविधा देने के कार्य किए जा रहे हैं। हर चीज की व्यवस्था की गई है, हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ ही 1000 से ऊपर तक नॉमिनेशन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है और कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करने हेतु सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे टेबल पर लगे हुए सबको इंस्ट्रक्शन है कि कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार आप अपना मास्क लगाएं और अपना दूरी डिस्टेंस मेंटेन करके ही रहें। पब्लिक से भी बार बार अनाउंसमेंट के द्वारा ये अनुरोध किया जाता है कि कोरोना गाइडलाइंस के थ्रू आप मास्क का प्रयोग करें। जिला में बढ़ते कोरोना के मामलों के खबरों को लेकर अहम बैठक की गई। जिला में कोरोना के बढ़ते मामलों की खबरों को देखते हुए जिला के सभी प्रमुख अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की गई। इस दौरान कई आवश्यक निर्देश दिए गए। कोरोना पर प्रभावी तरीके से काबू पाने के लिए जिले के सभी दुकानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। लोग उन नियमों का सही से पालन करें और जागरूक बने,
इसकी आवश्यकता को देखते हुए मधुबनी शहरी क्षेत्र में भीड़भाड़ वाली जगहों पर निर्गत आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा गया है। इस उद्देश्य से शहरी क्षेत्र को 11 अलग अलग जोन में बांटकर वरीय पदाधिकारियों एवं पुलिस अफसरों की प्रतिनियुक्ति की गई है। बाइक चेकिंग के मामले में यातायात पुलिस ने कई गाड़ियों को पकड़ लिया है। यातायात पुलिस ने बताया कि अभी तक उन्होंने करीबन 7 से 10 गाड़ियों को पकड़ा है, जिसमें टेम्पू, मोटरसाइकिल इत्यादि शामिल है। इन्हें बेता से आने के दौरान नाका 5 से 6 की वन वे से आने की वजह से पकड़ लिया गया है। अभी तो वन वे में पकड़े थे, वन वे से ये गाड़ी जा रही थी, इसलिए हमने उसको थाना पे लाए हैं, उस पर विधिवत कार्रवाई करेंगे। उनके द्वारा बोला जा रहा है कि वो रिक्शा थी और क्या कहते हैं मोटरसाइकिल क्यों जाते, तो उनका अलाव है वन वे का। और चूंकि हम लोग के यहाँ सिर्फ एम्बुलेंस का अलाव है, और कोई कुछ बीमार ला चाहे तो उसमें जाने देते हैं, उसके उस पर किसी को नहीं जाने देते। करीबन 10 के आसपास पकड़ा गया, जिसमें कुछ टेम्पू है, मोटरसाइकिल है, और कुछ बेटा से आया है जो अवैध पार्किंग के रूप से थाना पे, सबको फाइन किया जा रहा है। लगभग अभी 6-7 को फाइन हो चुका है। ये गाड़ी वन वे में आई थी, और वन वे में ये क्या कहते हैं कि नका 5 से नका 6 की ओर जा रही थी, इसीलिए उसको हम लोग पकड़े हैं। तो उनका शिकायत है कि हमें क्यों पकड़ा गया, जबकि हम लोग वन वे में चूंकि ऊपर से आदेश है, वन वे में जो भी गाड़ी के उसको पकड़ के विधिवत अपना उसको पकड़ के जब फाइन किया जाए, नहीं अगर मानेंगे तो डीटू के पास एप्लीकेशन है। आए दिन जाम से परेशान है लोग। पंडासराय में लगातार कई घंटों तक जाम की समस्या रहती है, इसके लिए जनता बार बार आक्रोश में है। प्रशासन इसको लेकर थोड़ी भी गंभीर नहीं है। आए दिन लोगों को हर रोज की तरह ही जाम का सामना करना पड़ता है। लोगों को अपने काम काज पर इस जाम की वजह से जाने में देरी होती है, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ती है। इसके बावजूद प्रशासन लोगों के बारे में सोचने पर थोड़ी सी भी बाध्य नहीं है। प्रशासन लोगों की इस समस्या से निजात दिलाने को लेकर कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रही है। क्या कहा जाए इस जाम के बारे में, यहाँ तो हमेशा जाम लगा रहता है। सरकार इस तरफ कोई ध्यान देती नहीं है, न ही रेल प्रशासन का इस तरफ कोई हो जो यहाँ पर फ्लाई ओवर या अंडर पास कुछ ऐसा बना दे ताकि जाम की व्यवस्था। लोड कैरी प्रेशर जो है सड़क में बहुत ज्यादा, जिस तरह से हम लोग की अर्थव्यवस्था बदली है उस हिसाब से तो यहाँ पर सब कुछ ज्यादा हो गया। यहाँ पे कि यहाँ पे गाड़ियाँ चाहे स्कॉर्पियो मतलब ट्रैफिक पुलिस यहाँ रहती है, लेकिन एक ट्रैफिक पुलिस के हवाले आप कर दीजिएगा, इतनी बड़ी भीड़ को संभव नहीं है सर। प्रशासन इसके लिए कुछ नहीं करता, यहाँ होनी चाहिए व्यवस्था। अभी जैसे की स्थिति देख रहे हैं, अगर प्रशासन होती तो इस तरह की जाम नहीं लगी रहती, लंबी जाम दोनों साइड लगी रहती है। बाहर से दवा मंगाने को लेकर लोग हैं परेशान। डीएमसीएच के गायनी वार्ड में दवा की घोर किल्लत देखी जा रही है। इस बात से मरीज काफी परेशान हैं और उन्हें दवाओं को बाहर से मंगाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। डीएमसीएच में दवाओं की किल्लत के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं और आते रहे हैं। बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन इसको लेकर गंभीर नहीं है और लोगों को इसी तरह से परेशान होना पड़ रहा है। बस स्टैंड पर फिर शुरू होगी कोरोना की जांच। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के अलावा विभिन्न ट्रेनों से उतरे यात्रियों में से रैपिड टेस्ट में 37 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। उधर बस से दरभंगा पहुंचने वाले यात्रियों के माध्यम से जिले में कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ सकता है। कई यात्री दिल्ली से बस का सफर कर यहां पहुंचते हैं। जानकारों का कहना है कि कोरोना की रोकथाम के लिए बस स्टैंड पर यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग जरूरी है।